बेतिया में बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ के तत्वाधान में आशा कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझोलिया के मेन गेट को बंद कर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान ओपीडी और आपातकालीन सेवा ठप रहा। डिलीवरी के लिए ऑटो पर आई गर्भवती महिला को लौटना पड़ा। आक्रोशित आशा और फैसिलिटेटरों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। संघ की जिला सचिव प्रतिमा कुमारी ने कहा कि मानदेय नहीं सैलरी चाहिए, आशा कार्यकर्ताओं को स्थायी किया जाए, सीएचसी में आशा कार्यकर्ताओं के लिए भवन का निर्माण किया जाए। धरना प्रदर्शन के उपरांत आशा कार्यकर्ताओं ने 9 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सौंपा। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है, हम लोग को नियुक्ति किया जाए मानदेय पर, ये लोग कितना दिन खट रही है मानती थी कमीशन पर, मानदेय किया जाए 18,000 से कम मानदेय किया जाए, जितना काम करती है लोग अनुसार इन लोगों को कमीशन नहीं करते। आप बोलिए ना, हम ही करते हैं। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो अगला क्या कदम होगा आपका? हम लोग जब तक नहीं सुनती है तब तक हम लोग हड़ताल पर कमीशन पर रोक लगाए। हम लोग का आशा और आशा फैसिलिटेटर का नियमित किया जाए, हम लोग का मांग है 18,000 का महीना किया जाए, हम लोग का नियमित किया जाए, हम लोग को पीएससी में आशा और फैसिलिटेटर का कोई हम लोग का वैल्यू नहीं करता है, हम लोग का मान दिया जाए और मानदेय किया जाए, हम लोग का हर चीज का सुविधा दिया जाए। क्या प्रॉब्लम?